ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरधनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आज आप हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान हमारे शहर के सीहोर नगर के माननीय विधायक महोदय श्री सुदेश जी राय जी, श्रीमती अरुणा जी राय जी, कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश भाई छोटे भाई पटेल अमेरिका, स्वर्गीय सीताराम सोमानी, स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत, स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर, स्वर्गीय कमला देवी दरबार साहब, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी की स्मृति में रावले पश्चिम रोशन सिंह जी द्वारा छिपाने रिंदौर, जय श्री बहन जयंती लाल बेपरिया राजकोट गुजरात, स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी अनुराग जी त्यागी स्मृति में लोकेश त्यागी मंजू जी त्यागी दिल्ली, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी की स्मृति में रेणु जी पुत्र ऋषभ, राधिका जी अग्रवाल आगरा, राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली, स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी, सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर, प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव धूलिया, संजय मणिकंद जी धोते, बालाप्रसाद जी ओझा सोलापुर, सत्यनारायण रायदयाल मालपानी जी हम संभाजीनगर, चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुमार जैन, रुचि कुणाल जैन दिल्ली, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, रामदेव जी, रामदेवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी, विनय जी पंचाल, नैना जी पंचाल मुंबई, उषा जी सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार जी हमीरपुर, नीलेश सिल्वा कोठारी मुंबई, बलदेव सिंह ठाकुर, राम अवतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर, प्रभांशु कटियार, रक्षा कटियार, सुभाष चंद कटियार बेंगलोर। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कृपा से आप और हम शिव महापुराण की पवित्र शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए शिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव 2024 सीहोर किस पवित्र धरा पर आप और हम बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को साधु। पूरा देश, पूरा विश्व आज भगवान शंकर की पवित्र ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग की अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र प्रांगण में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप सब बड़े भाग्यशाली हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की आप सब पर बैठे शिव कथा
ये 24,000 श्लोक का जो एलईडी नहीं चल रही है क्या, एलईडियां नहीं चल रही है क्या, एलईडी नहीं चल रही है क्या, नहीं चल रही। तो उनको मालूम होना चाहिए रोज ये प्रॉब्लम आई। भगवान देवाधिदेव महादेव ओगरधन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिवरात्रि का अवसर है और आज पूरा राष्ट्र पूरा विश्व शिवमय है। आज के दिन अगर एक क्षण की भी एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि आपको हमको इस कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो यह मानकर चलना कि यह देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा आप पर हो। शिव महापुराण एक बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि सफलता और संतोष ये दो चीजें अलग अलग, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए। सफलता और संतोष ये दोनों चीजें अलग अलग, सफलता मिल जाना सरल है बहुत सरल, पर संतोष धारण कर लेना ये बहुत कठिन है। सफलता मेरा भोलेनाथ सबको दे देता है, सबकी दुकान व्यापार व्यवसाय काम धंधा चार चांद लगा सकता है, सबके जीवन में बहुत खुशियां मेरा भोलेनाथ दे सकता है, बहुत बहुत कुछ मेरा शंभु मेरा ओघरदानी मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा विनाशी मेरा कुबेर भंडारी बहुत कुछ दे सकता है। सफलता सबको मेरा बाबा दे सकता है, पर संतोष मेरा बाबा सबको नहीं देता। आप सबने सुना होगा भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, क्या नाम है आशुतोष। जितने पंडाल में बैठे हो एक दो तीन पीछे वाला चार अंदर के पांच और छह जितने पंडालों में लोग बैठे हुए हैं भोजनशाला भोजनशाला के भी पंडालों के पास का पंडाल और आप लोगों की संख्या को देखकर आज शाम तक रात्रि तक ऐसा ही एक पंडाल और पीछे लगाया जा रहा है जिससे आप लोग आराम से देख सकते हैं। हमने कलकत्ता में कहा था पिछले वर्ष से दुगनी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंच गए पिछले वर्ष, पर अब की बार जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली है पार्किंग की, और सबसे बड़ा बात यह है कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो यहीं पर आराम से टेंट में पंडाल में कंकर शंकर की भूमि पर रुक रहे हैं। कोई वापिस पलट कर ना सीहोर जा रहा है ना छावल जा रहा है ना आष्टा जा रहा है, सब पंडाल में जो वहां होटल बुक करे थे वो भी होटल वाले भी पंडाल में रह रहे, जो धर्मशाला में रह रहे थे वो भी पंडाल में रह रहे। शिव जी का एक नाम है आशुतोष, संतुष्ट, मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध कोई क्रोध। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है शंकर पर क्रोध है। ये मेरी गांव गांव से आई हुई जीजियों, प्रत्येक शहर से गांव से नगर से आए हुए मेरे जीजाओं बेटियों बहनों माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी, कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं, रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे अपने भक्तों के दुख को देखकर जिसकी आंख में आंसू आ जाए वो रुद्र है, रुदन करने वाला रुद्र। दशा देखकर आंख में आंसू आ गए, दशा देखकर उसके नैनों में से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर दूसरे का दुख देखकर रो देते हैं, कई भाई ऐसे होते हैं किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भराता है, रुद्र है। एक दोस्त दोस्त के लिए रो रहा है वो रुद्र है, एक बहन बहन के लिए रो रही है वो रुद्र है,
एक बेटा बाप के लिए रो रहा है वो रुद्र है, और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है वो रुद्र है। माता पिता बेटे के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है वो रुद्र है। रुद्र केवल वो नहीं है कि अब जो जिसने क्रोध करा वो रुद्र हो गया, ना ना ना। पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कह दे, किसी के काम जो आए उसे इंसान कह दे। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफों को देखकर खुद भीतर से तकलीफ महसूस कर, वो रुद्र है। उसके नैनों में जल है, हमने देखा है। हमारे कथा का स्मरण तो नहीं आ रहा कि कौन सी जगह की थी, पर शायद अभी दो चार कथा के, पांच कथा के अंदर की ही कथा हो, गर्भवती नारी कथा में आई थी। 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा था, और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कथा में पहुंच। कथा प्रारंभ हुई, उसको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थी, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है, जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है, इनका स्नेह। उसको प्रसव पीड़ा क्या थी, शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई है या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस माँ को प्रसव पीड़ा था। 40 गाँव, हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गई, 40 गाँव, ठीक है बेटी आ गई, 40 गाँव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई, और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा में, और भीड़ अपार। अब पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना। मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं जो समय पर, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो गलत नहीं है, उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा और उसका प्रसव पीड़ा जो थी उसके बारे में, उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देव हरिदेव महादेव की कृपा से शंकर। 40 गांव की वो कथा है, 40 गांव की कथा चल रही है। दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर रुद्र है, शंकर क्रोधी है, शिव क्रोधी नहीं है। आप में से आज शिवरात्रि है ना, एलईडी चालू करवाओ, एलईडी। शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोधी नहीं है। कई लोग कह देते हैं भगवान देवदेव महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्लिपिंग डाली होगी, बहुत सारा सारा महाराजों टीवी पर आए और बोल दे कि ये मत करना नहीं तो शंकर रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शंकर को बुरा लग जाएगा, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए, कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी और सारी कथाएं उठाकर देख लेना, एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट होगा, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट होगा, आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना, हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि रुष्ट हो जाए भगवान शंकर, रुष्ट हो जाते हैं भगवान शंकर, क्रोधी हो जाते। एक बार भी इस व्यासपीठ से वर्णन नहीं करा कि शंकर भगवान रुष्ट, और आप पूरी YouTube को निकाल कर देखिए, बहुत सारे सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञान उपदेश देने वाले मिलेंगे, बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डालकर रखी है, शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाएगा। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें, देखा कि देखा तुम लोगों ने YouTube पे डाला रखा बहुत सारा, प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें, लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएगा। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो भी पर्दे देते, अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को, अब कौन सा रुष्ट हो गया शंकर जी, अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोले तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, तुम्हारे माथे पर पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जाएगा।
अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम बल्ब बला रहे हो। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना, सूचना आ रही है। किसी ने पांव रख दिया तुम्हारे बैग पर तो तुम क्रोध में आ जाओगे। पंडाल में ये लीला होती रहती होगी, हम भले पंडाल में नहीं ले रहे पर तुम्हारी मन की बात मच्छर जानते, कोई बैग पे लात रख दे ना तो गुस्सा आ जाए, कोई तुम्हारे सामान पर लात रख दे तो गुस्सा आ जाए। तुमने जितनी जगह बिछा के रखी है ना, जिस पे तुम्हारा पट्टा है, जितनी जगह तुमने बिछा के रखी है तुम्हारा, जिस पे पट्टा है 7 दिन का, पूरे 7 दिन तुम्हारी जगह को कोई खसका दे 1 इंच, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और 1 इंच अगर खसक जाए तो। दो दिन से 3 माताएं लगातार झगड़ा कर रही हैं, 2 दिन हो गए लगातार उनका झगड़ा चल रहा है, और हम कैमरे में भी हम चाहें ना तो इसको एलईडी दिखा सकते हैं। 3 दिन से झगड़ रहे, झगड़ा किस बात पे है कि वो तीनों की थाली एक जैसी जो घर से लेके आए, और तीनों की थाली एक जैसी है, उसमें से एक थाली थोड़ी सी नई है और बाकी की 2 थाली पुरानी है। अब नई वाली वो तीनों को अपनी अपनी बता रही है, तो मेरी थी और वो कहती है ये मेरी थी और वो कहती है मेरी थी, तीनों आपको दूसरी कथाओं में जितने कैमरे लगते हैं ना, उन कैमरों में वॉइस नहीं आती, आवाज नहीं आती, मतलब आप जो बोलेंगे वो आवाज नहीं आएगी जितने कैमरे पंडालों में लगते हैं। पर इस कुबेरेश्वर धाम के पावन प्रांगण में जिन जिन पंडालों में, टेंटों में, मंदिर में, बाहर गेट पर, जहां तुम बैठे हो, तुम जो बात कर रहे हो वो बात पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में हमारे पास नोट है पूरी। क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कितनी निंदा कर रहे हो, कितना भजन कर रहे हो। अब तुम सोचो महाराज तो बाहर की बात दूसरी है, ये कुबेरेश्वर वाला की तरह एक एक चीज, और जितनी हमारे कैमरे में कैच है उससे ज्यादा मेरे कुबेर भंडारी के कैमरे में कैच है, उससे ज्यादा। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल, इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। अब तुम सोचिए हो, अब नहीं तीनों बैठी था, तीनों कल दो थी और एक गायब थी, पर तीनों बैठे, तीनों और वो समझ गए होंगे अपन पकड़ाई में। एक जरा सा भी लात रख दे तुम्हारी 7 दिन के पट्टे की जगह पे, रजिस्टर की जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाए, तो तुम्हें क्रोध आ जाए। अब जरा विचार करिए, इतना इतना क्रोध तुमको आ रहा है, कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देवाजी देव महादेव, मेरे वो गर्दानी, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर, ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को, प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, हे गंगधार मुक्ति द्वार, ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण तिहारी शंभु तार, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार, ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण दिया शंभु तार। शिव कथा कर रहे, आपको क्रोध आ सकता है, बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है, पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष, आशुतोष। आज क्या है, शिवरात्रि, शिवरात्रि की कथा सुनी आप लोगों ने। एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं, शिवरात्रि की कथा कर, धन नहीं। सेठ जी ने कहा अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया
और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा, वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका। मारा, उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं अपना पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव आता है, जन्माष्टमी तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ, दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्राकट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना? ना, शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं, वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देशी भाषा में बेर कहते हैं। बोल,